कई लोग मेरे पास आते हैं जिन्होंने बाहर किसी चीज़ के लिए जांच कराई, ब्लड डोनेशन के लिए या कोई रूटीन चेकअप, और उसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव में हो गया, तो फिर आगे क्या करना है, उसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर विनीत गौतम, लेवर स्पेशलिस्ट जी बी डॉक्टर इंदौर से। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर उस केस में हमें तुरंत एक लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेसिफिक लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हेपेटाइटिस बी अगर है तो पहले तो हमें उसका वायरल लोड चेक करना होता है कितना है, और एक अल्ट्रासाउंड करना होता है लिवर फंक्शन टेस्ट कि उसने लिवर कितना डैमेज कर दिया है। अगर हम हेपेटाइटिस बी को समय पर इलाज नहीं कराते हैं तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पहला, कभी कभी इसका वायरल लोड एकदम से बहुत हाई होता है और वो एक्यूट लिवर फेलियर करा देता है, जिसमें सडनली हमारा लिवर फेल होता है, 2 से 4 सप्ताह के अंदर तेज़ी से पीलिया होगा, साथ में ब्रेन पे असर आएगा और पेशेंट लिवर फेलियर में चला जाएगा। अगर एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है हेपेटाइटिस बी के कारण, तो उसका एकमात्र इलाज केवल लिवर ट्रांसप्लांट होता है। 80% से ज़्यादा पेशेंट अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो नहीं बच पाते हैं, जान चली जाती है। ये यूजली 10% केस में होता है। हेपेटाइटिस बी नॉर्मली साइलेंट पड़ा रहता है और धीरे 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 हमारे लिवर को डैमेज कर देता है। 10 से 15 साल 20 साल में धीरे धीरे लिवर सिरोसिस करा देता है, इसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो लिवर सिरोसिस एक बार डेवलप हो जाती है तो वो इरिवर्सिबल होती है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी है वो लिवर कैंसर की रिस्क भी बढ़ाता है, चाहे वो लिवर सिरोसिस कराए या ना कराए, दोनों ही कंडीशन में लिवर में लिवर कैंसर करा सकता है। लिवर सिरोसिस खुद एक कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर होता है, और अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है तो ये रिस्क फैक्टर डबल हो जाता है, सिरोसिस और साथ में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो हमारी किडनी को भी डैमेज करता है, और जिसको हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, एक ये भी कराता है, और जिसका मुख्यतः असर हमारे लिवर पर होता है। अगर लिवर सिरोसिस हो जाता है तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे पेट में पानी भरना जिसको हम आसाइटिस बोलते हैं, खून की नसें फूल जाती हैं और ब्लीड करती हैं जिसको हम अपर जी ब्लीडिंग हेमेटेमेसिस बोलते हैं। इसके अलावा सिरोसिस के और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे जॉन्डिस है, ब्रेन प्रेशर रन जिसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। तो अगर एक बार सिरोसिस डेवलप हो गई तो सारे सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन होने लग जाते हैं। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तुरंत लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को देखना चाहिए, और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अच्छी अवेलेबल हैं जो कि इसको पूर्णतः कंट्रोल कर देती हैं, जिसमें एक एंटाकोविर टैबलेट होती है, एक टीनोफोविर टैबलेट होती है, एक एडिफोविर टैबलेट होती है, इसके अलावा एक लैमिबुडिन होती है। ऐसे बहुत सारी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं, इस बार इसको पूर्णतः कंट्रोल कर देती हैं और इससे होने वाले सारे साइड इफेक्ट को रोक देती हैं, जैसे लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, किडनी प्रेशर, सारा कंट्रोल कर देती हैं। लेकिन आपको ये ट्रीटमेंट लिवर सिरोसिस होने के पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप समय पर इलाज नहीं कराते हैं, सिरोसिस डेवलप हो जाती है, तो फिर इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, उसको प्रॉपर जांच करा के समय पर प्रॉपर इलाज कराएं, इसका बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो हेपेटाइटिस बी के लिए जो मेडिसिन चलती है वो लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, क्योंकि ये वायरस पूरी तरह खून से कभी नहीं जाता है। हम जब जाँच करते हैं तो डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन वो खून में बना रहता है, बट इसकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है कि उसके सारे साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो जाते हैं, और हम एक मेडिसिन लेते रहते हैं जो 5 से 10 साल तक चलती रहती है, और वो हमारे वायरस को पूर्णतः कंट्रोल रखती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो पाता वायरस का ना मेडिसिन का। 5-10 साल बाद अगर हमें लगता है कि वापस वायरस बढ़ रहा है, तो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है, उसके बाद हम सेकेंड मेडिसिन पर जा सकते हैं, तो आराम से इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट को दिखाइए और समय पर इलाज लें, ताकि उसके जो कॉम्प्लिकेशन लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस वो ना हो पाए। नमस्कार।